वाला लोग सबका ऐसा ही चक्कर रहा है। हम सोच रहे बाइक वाला लोग फ्री होगा, निकल गया यहाँ आकर के एकदम पकड़ा गार्ड सब और एकदम टिकट पार्किंग टिकट। इन बिगो का कहाँ पे है देख लें। I have collected my passport and the boarding. से बॉम्बे के लिए फ्लाइट इंडिगो बोर्डिंग थ्रू हो गया, गेट खुल गया, अब हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं बैठने। ट्वेंटी वन देखो पीछे रख दे रहे फाइनली टू मैच सीट। सामने है लेकिन छः तल्ला सात सौ तल्ला बिल्डिंग इधर पर ही अप्रूव्ड है, हम लोग को उधर नहीं देते।
जस्ट लैंडेड दुबई रस अल खैमा एंड नाउ गोइंग फॉर द फ्रेंड्स, इस वक्त मैं दुबई के डेरा यूनियन एक सिटी है वहाँ पे हूँ और दिन दोपहर के 2:10 में दुबई टाइम निकला हूँ। थोड़ा सा शॉपिंग, यहाँ पे मॉल्स हैं जो सुपरमार्केट्स हैं उनमें निकला हूँ थोड़ा शॉपिंग देखने करने। मौसम बहुत ही प्लीजेंट है यहाँ का, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्लीजेंट मौसम है। ये दुबई के यूनाइटेड हाइपर मार्केट में मैं एंट्री ले रहा हूँ इस वक्त।
जो कि 24 घंटे खुले रहती है, 24 आवर्स, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितना भी वक्त हो, यहाँ 24 घंटे खुली रहती है। और 50 दरहम की यहाँ पे शॉपिंग करने से एक कूपन फ्री मिल रही है। तो आइए हम चलते हैं इसके अंदर। ये एक नॉर्मल मॉल है कि सुपरमार्केट है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी इतनी है कि आप सोच में पड़ जाएं कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। ये किड सेक्शन है, अभी आप देख सकते हैं, दिस इज़ द किड सेक्शन। यहाँ सारे डॉल्स हैं, सेक्शन वहाँ ज्वेलरी आइटम्स है, आप देख सकते हैं बैग्स हैं, सारे बेस्ट कलेक्शंस हैं यहाँ पे। Earrings. These are also earrings. Different earrings. सेक्शन है। अब हम ज्वेलरी सेक्शन में आए हैं, यहाँ ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। Thank you.
बेकर्स ब्लेड। इस वक्त सुबह के यहाँ 11 बजे हैं और मैं दुबई के एक मेट्रो स्टेशन पे हूँ। मेट्रो में चढ़ रहा हूँ मैं यहाँ के, स्टेशन का नाम है अबू बकर। यहाँ से जाना है दुबई के, ये एक बहुत अच्छा शॉपिंग प्लेस है अलगुबैरा। ये अलगुबैरा मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से निकल के ये बस स्टेशन यहाँ है, फिर यहाँ शॉपिंग के सारे मॉल हैं। ये है दुबई का मेट्रो स्टेशन जहाँ मैं उतरा हूँ। स्टेशन का नाम है अबू बकर अल सिद्दीक। ये मेट्रो स्टेशन जहाँ मैं रहता हूँ इस आसपास में ही, तो यहाँ करीब में बहुत अच्छे एयरपोर्ट है, देख सकते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर पास में ही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेंगे। आइए थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इन नज़ारों का। ये हमारा नाश्ता है मटन नमकीन। हाँ बुर्ज खलीफा हो तो बुर्ज खलीफा तो बुर्ज खलीफा सीधा था, पहले इधर आया फिर इधर आया सीधा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सामने बीजेपी
मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर चुका हूँ, अब मेरी फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे वेटिंग एरिया में। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये वेटिंग एरिया है। नीचे सारे ड्यूटी फ्री हैं, शॉप्स हैं ड्यूटी फ्री। इट्स वेरी गुड ओवरव्यू। आइए थोड़ा एक राउंड मारते हैं।
विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। मैंने बोर्डिंग और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, अब मैं अपने फ्लाइट की तरफ जा रहा हूँ। ये है अबू धाबी एयरपोर्ट, अलहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देख सकते हैं जो हमने एयरलाइंस लिया है वो है विस्तारा, और सीट मेरी बहुत अच्छी है, आयल सीट है 9C। एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एयरपोर्ट इनसाइड लाइक रनवे। ट्रिप बहुत अच्छी रही, कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से दुबई, और दुबई घूमने के बाद हम अबू धाबी बाय रोड आए दुबई से कैब में, और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और प्लीजेंट स्टे रहा अबू धाबी में। और अबू धाबी से हमारी फ्लाइट है फिर मुंबई के लिए। अब मैं फ्लाइट में एंटर करने जा रहा हूँ। ये गेट है थ्रू, रश काफ़ी है तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, और अब मैं फ्लाइट के अंदर जा रहा हूँ, एंटरिंग द गेट ऑफ द फ्लाइट। एंड नाउ काफ़ी रश है जैसे कि हम देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। Finally, to my seat 9C. It's an aisle seat. और this is my seat. Starting my journey to my final destination. Finally, to Kolkata. ये बॉम्बे से मैं फ्लाइट में बैठा हूँ कोलकाता के लिए। फाइनली 22C सीट।